हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2023-24 विषय हिंदी सेट एक कक्षा 11वीं का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देखने वाले हैं विद सॉल्यूशन के साथ। तो फटाफट से इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी की हेल्प हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है मीराबाई की भक्ति है, तो मीराबाई की जो भक्ति है सा नंबर का ऑप्शन है, इसका आंसर होगा दाम्पत्य भाव की। दूसरा प्रश्न है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है, तो क्या कहलाता है, भक्तिकाल कहलाता है, वा नंबर का ऑप्शन है, इसका आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है जहाँ कारण होने पर भी कार्य ना हो वहाँ अलंकार होता है, तो कौन सा अलंकार होता है, विशेषोक्ति अलंकार होता है, सा नंबर का ऑप्शन है, इसका उत्तर होगा। चौथा प्रश्न है फूले ना समाना मुहावरे का अर्थ है, तो अत्यंत खुश होना होता है, बा नंबर का ऑप्शन है, इसका उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न है नमक की गाड़ियाँ जा रही थी, तो जो नमक की गाड़ियाँ थी वह कहाँ जा रही थी, यहाँ पर कानपुर जा रही थी, सा नंबर का ऑप्शन होगा। छठवां प्रश्न है वह भूजल जो कुओं में से निकाला जाता है वह क्या कहलाता है, तो वह जो जल कहलाता है वह रेजाणी पानी कहलाता है, यानी कि रेजाणी जल कहलाता है, सा नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक दो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला खाली स्थान है शब्दों के सार्थक समूह को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं, इसका आंसर भाषा होगा। दूसरा खाली स्थान है मासिक वेतन को खाली स्थान का चांद कहा गया है, तो किसका चांद कहा गया है, पूर्णिमा का चांद कहा गया है। तीसरा खाली स्थान है सूर्य डूब गया में खाली स्थान शब्द शक्ति है, तो कौन सी शब्द शक्ति है, व्यंजना शब्द शक्ति है। चौथा खाली स्थान है वाणी का डिटेक्टर किसको कहा गया है, तो कबीरदास जी को, कबीर जी को कहा गया है। पांचवा है मियां नसीरुद्दीन के मसीहा थे, तो किसके मसीहा थे, यहाँ पर नान भाइयों के मसीहा थे। छठवां खाली स्थान है सरकारी कामकाज की भाषा को क्या कहते हैं, तो राजभाषा कहते हैं, तो राजभाषा इसका उत्तर होगा। सातवां खाली स्थान है कुएं की खुदाई का काम कहलाता है, तो क्या कहलाता है, चेजारो कहलाता है, पहला नंबर ऑप्शन होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक तीन सही जोड़ियां दी गई हैं। पहला है मीरा के प्रभु, तो मीरा के प्रभु इसका आंसर सी नंबर का ऑप्शन होगा, गिरधर नागर। दूसरा है साकेत, तो इसका आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन, महाकाव्य। तीसरा है रोला प्लस दोहा, तो इसका जो आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन होगा, कुंडलियाँ। चौथा है गलता लोहा, तो इसका आंसर ई नंबर का ऑप्शन होगा, शंकर जोशी। पांचवा है सरकारी कामकाज की भाषा, तो क्या कहलाती है, राजभाषा कहलाती है, और स्वर साम्राज्य, तो यहाँ पर इसका आंसर डी नंबर का ऑप्शन होगा, लता मंगेशकर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक चार हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है यहाँ पर चिरंगा का किस प्राप्त का प्रतीक होता है, तो किस बात का प्रतीक होता है, जनता के सुख का प्रतीक होता है, पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा, जनता के सुख का प्रतीक होता है, तो उत्तर में आप लिखेंगे जनता के सुख का। दूसरा प्रश्न है चंपा कवि से क्या कहती है, तो चंपा कवि से क्या कहती है कि कागज ही गूदा करते हो दिन भर, आप उत्तर में क्या लिखेंगे, कागज ही गूदा करते हो दिन भर, करते हो दिन भर, इस प्रकार से आप उत्तर में लिखोगे कि कागज ही गूदा करते हो दिन भर। इसके बाद तीसरा प्रश्न है दो महाकाव्यकारी के नाम तथा एक एक रचना का नाम लिखिए, तो दो महाकाव्यों के नाम और उनकी रचनाओं के नाम लिखना, सबसे पहले हैं जयशंकर प्रसाद, इस प्रकार से आप लिखेंगे सबसे पहले जो महाकाव्य हैं जयशंकर प्रसाद, और डैश लगा के आप इनकी रचना का नाम लिखेंगे, जयशंकर प्रसाद की रचना क्या है, कामायनी इनकी रचना है, तो आप उत्तर में क्या लिखे हुए, कामायनी। इसके बाद नंबर दो पर जो हैं यहाँ पर इस प्रकार से आप तुलसीदास लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे आप, तुलसीदास, और इनकी रचना का नाम क्या है, श्री रामचरितमानस, तो यहाँ पर डैश लगा के आप लिखोगे रामचरितमानस, इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है अपू की माँ का क्या नाम था, तो क्या था, सर्वजया था, इनका नाम क्या था, सर्वजया। इसके बाद जो छठवां प्रश्न है कोणियों पर ईमान बेच देना मुहावरे का अर्थ लिखिए,
तो यहाँ पर इस प्रकार से इसको क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और सातवां क्वेश्चन है, रेजाड़ी पानी किसे कहते हैं, तो आपके प्रश्न पेपर में ही पूछा गया है। इस प्रकार से यहाँ पर रेजाड़ी पानी किसे कहा जाता है, यहाँ पर इस प्रश्न में पूछा गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वह भूजल जो कुओं में से निकाला जाता है उसे रेजाड़ी जल कहते हैं, इस प्रकार से उत्तर दिया गया है। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आपको तैयार करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है, सत्य असत्य चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, चेल वांची अपने सिर पर पगड़ी पहनते हैं, तो यह कथन आपका क्या होगा, सत्य होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, पटकथा को अंग्रेजी में स्क्रीन प्ले कहा जाता है, तो यह कथन भी आपका सत्य होगा। तीसरा प्रश्न है, गलता लोहा पाठ के लेखक शेखर जोशी हैं, तो यह कथन आपका सत्य होगा। चौथा है, चित्त में उत्तेजना का संचार ओजगुण में होता है, तो यह कथन सत्य होगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, कठोर वर्णों की आवृत्ति माधुर गुण में होती है, तो यह कथन आपका सत्य होगा। छठवां प्रश्न है, सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग कबीर ने किया, तो यह कथन असत्य होगा। केवल आपका लास्ट का जो क्वेश्चन है यह असत्य होगा, बाकी आपके पाँचों सत्य हो गए। इसके बाद जो है इस प्रकार से दो दो अंक के क्वेश्चन है, इनको आपको तैयार करना है। प्रश्न क्रमांक 6 है, छावादी कविता की विशेषता लिखिए, अथवा में पूछा गया है प्रगतिवादी कविता की विशेषता लिखिए। प्रश्न क्रमांक 7 है, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया, इसके अथवा का है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम क्यों कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 8 है, रेखाचित्र और सस्मरण में अंतर लिखिए, इसके अथवा का क्वेश्चन है। जीवनी और आत्मकथा में अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 9 है, नृत्य और नृत्य में क्या अंतर है, इस प्रकार से आपको अंतर लिखना। अथवा में है, चित्र संगीत और शास्त्रीय संगीत में आपको अंतर तैयार करना है। प्रश्न क्रमांक 10 है, किसान सामान्यतः भारत माता से क्या अर्थ लेते हैं, इसके अथवा का क्वेश्चन है। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यहाँ तो पीर की मजार, या कथन किसने और किससे क्यों कहा। प्रश्न क्रमांक 11 है, अंतर व्यक्तिक संचार और संचार में क्या अंतर है, अथवा का क्वेश्चन है। संयुक्त व्यंजन को हिंदी वर्णमाला और शब्दकोश में कहाँ स्थान प्राप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 12, संचारी भाव या स्थायी भाव में अंतर तैयार करना, माधुर्य और ओजगुण में आपको अंतर तैयार करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 है, शांत रस को उदाहरण द्वारा समझाइए, अथवा है संदेह एवं भ्रांतिमान अलंकार में अंतर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में आपको दो अंतर तैयार करना, अथवा में विशेषण और क्रिया विशेषण में आपको अंतर तैयार करना है। प्रश्न क्रमांक 15, इस प्रकार से मुहावरे पूछे गए हैं, आँख का तारा श्री गणेश करना, इसके अथवा का क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों को निर्देश अनुसार परिवर्तित कीजिए, राधा पुस्तक पढ़ती आज्ञावाचक वाक्य, राम कल जाएगा संदेहवाचक वाक्य। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 में इस प्रकार से क्वेश्चन, कबीर अथवा सुमित्रानंदन पंत का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं को मैं दीजिए। पहला है दो रचनाएँ, दूसरा भाव पक्ष कला पक्ष, तीसरा साहित्य में स्थान। 17वां क्वेश्चन है, प्रेमचंद अथवा मन्नु भंडारी का परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर, दो रचना, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18, निम्नलिखित वाक्य का भाव पल्लवन कीजिए, साहित्य समाज का दर्पण है, अथवा में पढ़ाई के संबंध में पिता व पुत्र के मध्य संवाद आपको लिखना है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 में इस प्रकार से आपको एक गद्यांश दिया गया, इसको पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको बताना है, इस प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 20 में आपसे एक पद्यांश दिया गया है, इसकी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना है, तो इनको आपको तैयार कर लेना है। प्रश्न क्रमांक 21 में आपको एक गद्यांश दिया गया है, और इस प्रकार से आपको इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखने को कहा गया है, इसको आप तैयार करें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 में आपकी कक्षा 10वीं की अंक सूची गुम गई है, अंक सूची की द्वितीय प्रति प्राप्ति के लिए सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को एक आवेदन पत्र लिखिए, अथवा में नगर पालिका अध्यक्ष को नियमित सफाई न होने पर शिकायती पत्र लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 में किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, तो यहाँ पर आपको निबंध जो तैयार करना है, यहाँ पर विद्यार्थी जीवन, अनुशासन, पर्यावरण प्रदूषण, जीवन में खेलों का महत्व और विज्ञान की चमत्कार, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।